मात्र 6 ब्रेड से आप इतना टेस्टी सा एक मिठाई बनाएंगी जो बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए सबसे पहले इसके मोटे वाले भाग होते हैं इसको हम काट लेते हैं। मीठा बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही फटाफट बनता है, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम सामान से ये आप बना सकती हैं। इस तरीके से सारे ब्रेड के साइड वाले पार्ट को मैं निकाल ली हूँ और ये जो ब्रेड के साइड वाला पार्ट बचा है इससे मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। एक पैन में आधा लीटर फुल क्रीम दूध को लेके डाल देंगे और इसे इतना उबालेंगे कि ये आधा हो जाए। जब दूध इस तरीके से गाढ़ा हो जाए तब सारे ब्रेड को इसमें डाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से सारे दूध में मैं ब्रेड को डाल दी हूँ। जब आप इस तरीके ब्रेड को दूध में डालेंगी तो ब्रेड सारे दूध को सौंप लेगा। बहुत ही आसान है इसको बनाना। बस अब गैस को ऑफ कर दीजिए और इसको ठंडा होने, तो इसका पहचान ये है कि ये एक जगह जमा हो जाएगा बिल्कुल खोआ की तरह। चलिए इसको ठंडा होने देते हैं। चाशनी बनाने के लिए 1.5 कप चीनी में 1.5 कप पानी, अब इसको चीनी को घुलते तक उबालना है और इसमें पाग नहीं बनाना है, बस चिपचिपा हो जाए गैस को ऑफ कर देंगे। तो देखिए चीनी और पानी अच्छे से घुल गया है। अब इसमें 1 चम्मच में इलायची का पाउडर डाल दूंगी, आप यहाँ पर कूट के भी डाल सकती हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं केसर को पानी में भिगो दी हूँ, इसको भी इसी वक्त डाल दूंगी और मात्र इसको 5 मिनट उबालना है, उसके बाद गैस को ऑफ कर देना है क्योंकि इसमें आग नहीं बनाना है, सिर्फ एक चिपचिपा होना चाहिए। देखिए चाशनी हो गया है, ये हाथ में देखिए एकदम चिपचिप हो गया है, मतलब मेरा चाशनी एकदम कंप्लीट है। अब गैस को ऑफ कर दी हूँ। चलिए अब ब्रेड को रेडी करते हैं। अब इसे एक बर्तन में खाली कर देते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से मसल लेंगे ताकि इसमें एक भी गुठली ना हो। उसके बाद इसमें 2 चम्मच मैदा डालूंगी, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच देसी घी। अब सबको अच्छे से मिला देते हैं। जब सारा चीज़ अच्छे से मिल जाए तब इसमें आप 1/2 चम्मच जैसा या चुटकी भर, बस चुटकी भर खाने का सोडा इसमें डाल दीजिए। इसे इतने अच्छे से सानना है ताकि कहीं भी इसमें क्रैक ना दिखे, एकदम प्लेन आपका बने। और जब आप इसको शेप देने लगे तब हाथ में थोड़ा सा घी लगा लीजिए। उसके बाद आप या तो लंबा बनाइए या गोल बनाइए, जो शेप आपको पसंद है उस हिसाब से सारे को रेडी कर लीजिए। तो लंबा बनाऊंगे और ये कहीं से भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से, देखिए मैं सारे को रेडी कर ली हूँ। मैं कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, अब इसको अच्छे से गरम कर लीजिए। पहले इसको छानने से पहले आप इसमें पहले 1 पीस डाल के देखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये टूट जाता है। और जब इस पे इस तरीके का एक परत आ जाए तब आप इसके फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। तो इसको इस कलर में निकाल लेना है। देखिए ये टूटा नहीं है, अगर बाय चांस आपका ये टूटने लगे तो इसमें थोड़ा सा मैदा डाल दीजिएगा और फिर अच्छे से इसको मिला दीजिए। इसको जब आप पहली बार डालेंगे तो फ्लेम को हाई रखिएगा, उसके बाद एक परत हो जाए तब उसके फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। इस तरीके से सारे को मैं तल ली हूँ। चलिए अब इसको चाशनी में डाल देते हैं। अब चाशनी को हल्का गर्म करके मैं जितने भी इसको छानी हूँ, ठंडा चाशनी में बिल्कुल मत डालिएगा, थोड़ा सा चाशनी को गर्म कर लीजिएगा। हल्का गर्म चाशनी में इसको डाल सकते, बस थोड़ी देर इसको ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद रेडी है आपका ब्रेड गुलाब जामुन, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। 5 मिनट के बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ। 5 मिनट के बाद देखिए कैसा बनाइए गुलाब जामुन। देखिए एकदम दानेदार, जैसा बिल्कुल खोआ का होता है बिल्कुल वैसा बना है। मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ, तो बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही जल्दी बनता है। तो बिल्कुल इसको बनाइए, बना के कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा।